नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। प्रदेश का स्वार और छानबे विधायक सीट पर होने वाले उपचुनाव में बसपा मैदान में नहीं उतरेगी। बसपा अपना पूरा फोकस इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव पर कर रही है। रामपुर जिले में स्वार और मिर्जापुर की छानबे सीट पर भी 10 मई को चुनाव होंगे। बता दें कि स्वार सीट पर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की वजह से चुनाव हो रहा है, तो उधर छानबे सीट के विधायक राहुल कोल के निधन से ये सीट खाली हो गई। अब इस चुनाव में जहां सभी दल मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं बसपा इससे दूर है। बसपाई रणनीतिकारों का कहना है कि बसपा का पूरा फोकस निकाय चुनाव पर है। हालांकि बसपा उपचुनाव में लड़ने से पहले भी परहेज करती रही है, पर बीच में उसने कुछ उपचुनाव लड़े, अब फिर से उपचुनाव से दूरी बनाई जा रही है। बता दें कि प्रदेश में मिर्जापुर की छानबे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और अपना दल के बीच सहमति बन गई है। ये तय हुआ है कि दोनों सीटों पर अपना दल ही चुनाव लड़ेगा। इसके बाद अपना दल ने दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए हैं। छानबे सीट से राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावना है, जबकि स्वार सीट के लिए उम्मीदवार के चयन पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। चूंकि बृहस्पतिवार को ही नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए दोनों सीटों के उम्मीदवार की अधिकृत घोषणा कभी भी हो सकती है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में हुए समझौते के तहत दोनों सीटें अपना दल को भी दे गई है, इसलिए उपचुनाव में भी इन सीटों पर अपना दल ने दावेदारी पेश की थी। इससे पहले स्वार सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि दोनों सीटों पर अपना दल ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि स्वार सीट को जीतने बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए वहां से चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी योगी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को सौंपी गई है। वहीं छानबे सीट के उपचुनाव की जिम्मेदारी अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल संभालेंगे। बता दें कि सूत्रों का कहना है अपना दल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल और पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव अरबी पटेल को बुधवार की रात को ही रामपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। दोनों नेता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन कराएंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।